बीपीएससी टीचर पे सवाल होगा सर, बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ सर और रिजल्ट आया, उसने सर जहां तक मैंने इंटरव्यू लिया है और लगातार छात्रों से मिला भी हूं सर, बहुत गरीब तबके के बच्चे और मेहनत किए और उनका सर जॉब मिला है और उसका ट्रेनिंग भी चल रहा है सर, इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम बिहार में 10 लाख लोगों को सीधे रोजगार, सरकारी रोजगार देंगे और फिर विभिन्न उपक्रमों में भी जो है कराया जाएगा। और आज ये जानकर के बहुत खुशी हो रही है कि एक साथ 1,22,000 बीपीएससी से टीचर उत्तीर्ण हुए हैं और 2 तारीख को गांधी मैदान से सब लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये बिहार के लिए नहीं, देश में पहली बार एक साथ इतने सारे जो है लोगों को जो है नौकरी का ऑप्शन मिल रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है, ऐतिहासिक है। और आपने जैसे कहा, पढ़ने लिखने वाला जो मेहनती छात्र छात्राएं रहे हैं, सब लोग पास किए हैं और समाज के सभी अमीर सामान्य परिवार के लोग जो है गरीब परिवार के कपड़ा बेचने वाला, ठेला पर बेचने वाला मजदूर का बेटा और बिना पैसा का सर, एक रुपया नहीं लगा है जहां तक मैं जान रहा हूं, बिना पैसे के मेहनत किए हैं, जन्मिन विद्यार्थी, पढ़ाई में भी अव्वल है सर, मैंने इंटरव्यू लिया है बच्चों का सर, क्या है बताइए सर? जो मेहनत किए, सही से पढ़े, वो पास किए हैं, तो सबसे जितने लोग बीपीएससी पास किए हैं टीचर में, उन लोग को मैं बधाई देता हूँ। मेरा कटिहार जिला में भी लगभग 2386 पास किए हैं, तो इन लोगों को बधाई देते हैं और पूरे बिहार में पास किए उन लोगों को बधाई देते हैं। इन्हीं लोगों के हाथ में आने वाला भविष्य का पीढ़ी है और हमको लगता है कि बीपीएससी कंप्लीट करने वाले अच्छा से पढ़ाएंगे और आगे भी हमारे यहाँ एजुकेशन में और तेजी से सुधार होगा। लेकिन इन सारे कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को हृदय से बधाई देते हैं कि आपने जो बिहार के जनता के साथ जो कमिटमेंट किया था उसको बड़ा मजबूती से पूरा कर रहे हैं। सर ये लगातार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बड़ा बड़ा डंका बजाती है, हम हर साल 2 करोड़ युवा, यही कटिहार का मैदान है, जब आते हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता, हम वो कहते हैं चुनाव के समय कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, क्या इस पे सर क्या कहना चाहते हैं आप? तो 2 करोड़ रोजगार देता तो आप लोग का चैनल नहीं चलाता क्या? तो वो लोग तो ऐसे ही वादा करते हैं और वादा में ही काम चलता है, और कभी अगर 2 करोड़ को दिया होगा तो लोग आएंगे तो लोग से पूछिएगा, वो बताएंगे तो हम लोग भी धन्यवाद देंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि वो बता सकते हैं कि एक बार में 1 लाख लोगों को भी रोजगार दिया। सर लगातार सर शिक्षा के जगत में लगातार सर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सर, संसदीय क्षेत्र कटिहार पड़ता है और ऐसा काम सर जो आपने किया है सर, कुछ एक सर बताइए सर। ऐसे कटिहार जिला में मेरा एमपी बनने के बाद बहुत काम हुआ, खास करके प्रधानमंत्री सड़क जो पहले से बना था और फ्लड के कारण जो ब्रिजें टूट गई थी, तो लगभग 67-68 ब्रिज जो सड़कों के आरक्षण में टूटा हुआ में हम लोग बनाए और बन भी गया, लगभग सब बन गया है। और प्रधानमंत्री सड़क का पुनर्निर्माण भी हम लोग कराए, प्रधानमंत्री पर बोल रहे हैं, इस साल भी लगभग 100 पुल जो छूटे हुए हैं उसको बनना है, टेंडर हुआ था, टेंडर कैंसिल, बेलो टेंडर था, फिर पुनः टेंडर की प्रक्रिया में है, ये हो जाएगा तो हमको लगता है कि कटिहार जिला का कोई भी गांव जो है एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं होगा, बारह मास सड़क चलेगा। तो एक तो ये काम किए हैं और NHAI पर हम लोग नया काम किए, हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले गौशाला में आरओबी बनवाए, उसका काम चल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे, मनिहारी बरारी ये बहुत जो दोनों विधानसभा को बहुत फायदा होगा, कटिहार को भी फायदा होगा, लोग गंगा जी में जाते हैं उधर से लोग आते हैं, उसी तरह से आरओबी के निर्माण के दृश्य मनिया में बना है, प्राणपुर में बना है, शरीफगंज में बना है, आने वाला दिन में स्टेट हाईवे माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके कटिहार से बारसोई छिटावारी से बलरामपुर स्टेट हाईवे बन रहा है, लगभग 800 करोड़ में बनेगा, इसमें भी 5 जगह जो है आरओबी बनेगा, तो बलरामपुर से कटिहार तक का सड़क निर्बाध होगा। लेकिन सबसे बड़ी काम कटिहार जिला में हुआ कि कटिहार में पहला 4 लेन सड़क और मनिहारी साहिबगंज गंगा जी में ब्रिज, लगभग 3,000 करोड़ में साहिबगंज मनिहारी गंगा ब्रिज बन रहा है, ये मेरे समय हुआ। पार्लियामेंट में मेरा दूसरा क्वेश्चन और शून्यकाल उसी पर था,
तो उस पर काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। और नारायणपुर से पूर्णिया 0 माइल तक लगभग 23,000 करोड़ का 4 लेन बन रहा है, ये भी कंप्लीट होने के कगार पर है। कटिहार को कोलासी से एक बाईपास दलन बनेगा, आने वाला दिन में कटिहार का 0 माइल दलन होगा और कटिहार में सारा बाईपास बन जाएगा, 4 लेन बन जाएगा। तो हमारा जो कटिहार है आज, ये कटिहार का विस्तारीकरण होगा 4 लेन के अगल बगल में, और जो है इंडस्ट्री, रोजगार, बड़ा बड़ा मॉल, बाकी सब चीज़ 4 लेन में खोल रहा है। तो कटिहार का तेजी से विकास होगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा और एजुकेशन के क्षेत्र में भी ये सब होने से कटिहार और तेजी से। लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो बने हैं, और मुख्यमंत्री जी लगातार गांधी मैदान से भी कह रहे थे, स्वतंत्रता का जो था उस समय प्रोग्राम में कहे थे 10 लाख नहीं, 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर देंगे हम, तो सही बात है। और लगातार जो जन्मिन विद्यार्थी हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं, बिहार दरोगा का वैकेंसी निकला है और बिहार SSC का निकला है, लगातार सरकार वैकेंसी दे रही है। सर क्या कहना चाहते हैं, अगर जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, लोग कहते हैं बिना पैसा का नौकरी नहीं होगा, सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी, इन लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15 अगस्त में घोषणा की कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे गांधी मैदान से, उसको पूरा करने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। अभी तो 1.25 लाख टीचर में बहाली हुआ है, पुलिस में बहाली हो रही है, हमारी बेटियों का पुलिस में बहाली हो रहा है, फिर और भी वैकेंसी उसके लिए आया है, SSC में वैकेंसी निकल रहा है, दरोगा का भी, और नर्सिंग सेवा में बहाली लिया है, फिर होगा मेडिकल में निकल रहा है, हर क्षेत्र में निकल रहा है। तो जो ट्रेंड है और जो एजुकेटेड है, हर क्षेत्र के लिए निकाल रहा है। और ये बात आपने सही कहा है कि जो मेहनत करेंगे, जो अपना मजबूती से तैयारी करेंगे, बिना भेदभाव का अपना परिश्रम लगन से सही से एग्जाम का जो तैयारी करेंगे, हम भी कहेंगे कि अच्छा से तैयारी करें, और सरकारी जो है नौकरी का अच्छा अवसर आ रहा है और आप उसको प्राप्त करें। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से बिहार के बच्चे मेहनत कर रहे हैं हर क्षेत्र में, तो ये लोग कैपेबल भी हैं, आने वाला दिन में जितना भी वैकेंसी निकलेगा, जो योग्य बच्चे हैं, जो मेहनत करें, वो निकलेंगे। सभी से मेरा ये होगा कि आप मेहनत करिए और एग्जाम में बैठिए और सरकारी नौकरी लीजिए। लगातार सर अपने बात को रखते हैं। सर आज के लिए इतना ही, सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपका चैनल अच्छा, आपका चैनल के प्रति लोग बहुत विश्वास करते हैं और ये विश्वास बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि चैनल का न्यूज जब सत्यता के साथ सत्य की ओर चलता है, सच्चाई के साथ जनता को अवगत कराते हैं, तो जनता भी आपका न्यूज पर पूरा विश्वास करता है। और आप ईमानदारी से चैनल चलाते हैं, आगे चलाइए, हम लोग की आपको शुभकामना है और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।